बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एक छात्र से रैगिंग करने और विरोध करने पर पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय दुबे के बेटे पर लगा है, जो उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। रैगिंग का विरोध करने पर पिटाई, बीजेपी नेता के बेटे ने की पिटाई, कमरे पर जाकर किया हंगामा। इस सीसीटीवी फुटेज में एक छात्र की कई छात्र मिलकर पिटाई कर रहे हैं। आरोपी छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने रैगिंग का विरोध किया था। इस बात पर गुस्साए सीनियर छात्र ने उसके घर पर जाकर हमला बोल दिया। इस हमले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय दुबे का बेटा सत्यम दुबे भी शामिल था। पीड़ित ने एसएसपी को दिए पत्र में बताया है कि सत्यम दुबे अपने 20 से 30 साथियों के साथ कमरे पर आया और आते ही गाली गलौज करने लगा। जब विरोध किया तो वो उसे मारपीट करते हुए घसीटकर सड़क तक ले गए और सड़क पर भी सबके सामने मारा। जो संजय दुबे है उनका लड़का सत्यम दुबे है, वो भी सीनियर है हमारा। वो रोज हमारी एंटी रैगिंग लेता था, रोज आता था, रोज दारू वारू पी के रोज मारता था। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और साथ ही इस मामले को सियासी रंग ना देने की नसीहत भी दे रही है। मैंने थाने को बता दिया है, तुरंत इसकी जांच कर ली जाए और जांच में जो सही चीज पाई जाए उसके आधार पे जो भी कार्रवाई बनती है की जाए, तो उसको हम दिखवा रहे हैं। विश्वविद्यालय में रैगिंग का विरोध करने पर विश्वविद्यालय से बाहर घर पर जाकर पिटाई का शायद ये पहला मामला है। आरोपी सीनियर छात्र सत्यम दुबे ने जिस तरह पीड़ित के घर पर जाकर मारपीट की, वो दिखाता है कि वो अपने पिता के सियासी रसूख से कितना बेखौफ है। और साथ ही पुलिस प्रशासन कितना लाचार। विकास शर्मा, झांसी, समाचार प्लस।